नमस्कार, माझा महाराष्ट्राच्या विशेष बातमीपत्रामध्ये आपले स्वागत आहे। आज आपण नांदेड शहरातील मालटेकडी ब्रिजवर आलेला या ठिकाणी पूल आहेत, मालटेकडीचा पुलावर आलेला आहेत। या ठिकाणी आपण पाहू शकतात कशा पद्धतीने इथे बोगस कामे झालेले आहेत। या ठिकाणी माजी उपमहापौर मसूद अहमद खान यांचा हा प्रभाग आहे। माजी उपमहापौराच्या प्रभागामध्ये अशी ठिकाणी स्ट्रीट लाईट बंद आहे आणि रस्त्याची अवस्था नादुरुस्त झालेली, खड्डे झालेले या रस्त्यावर। और आपण पाहू शकता की लोखंडी जे इंगल आहेत, हा लोखंडी इंगल वर पडलेला आहे, याच्यानं अपघात होण्याची शक्यता आहे। आपल्यासोबत चालक आहे, त्यांचं काय म्हणणं आहे? दादा, काय वाटतं तुम्हाला ह्या खड्ड्याबद्दल? हो, रस्ता जर खराब झाला, आम्हाला गाडी चालवायला भरपूर त्रास होला आहे, ऍक्सिडेंट झाले त्या रस्त्यामुळं। हे इंगल निघालं, रात्रीच्या आम्हाला दिसत सुद्धा नाही। आता हे लाईट राहते का रात्री? रात्री इथं फुलावर लाईट पण नाही, मग त्यासाठी ते त्रास व्हायला जास्त। मग अपघात होते ना आता का? मग गाडी कोण्या साईडला घेतली? लेफ्ट साईडला, रॉंग साईडला गाडी चालवावं लागेल ना। आता ते समोरला तिकून जोरात आलंय, तिकडे रॉंग साईडला गाडी चालवावं लागेल। हो, नांदेडचं असं चालती झाली जास्त वेळेस मला तर। आपल्याला काय त्रास होतो गाडी चालताना? गाडी चालताना गाडीचं नुकसान आहे ना, गाडीचा पाटा मोडतंय, गाडीचं हे होतंय, गाडीचं काही ना काही नुकसान चालूच आहे याच्यात। मध्ये याच्याकडे असं काय मागणी तुमची की हे म्हणजे आता काही रस्ता असा ठीकठाक कराव तर गाडीत नुकसान होईना, त्रास होईना, ऍक्सिडेंट होईनात, याच्या रस्त्यामुळे अपघात जास्त होईल ना। हा वाहन चालक होते, यांची सुद्धा आपण मागणी घेतलेली आहे की कशा पद्धतीने इथे 15 ऑगस्ट 2018 ह्या पुलाची उद्घाटन झाली होती, परंतु 2018 नंतर हा अशा पद्धतीने अवस्था झालेले खड्डे आहेत आणि या ठिकाणी लोखंडची जी पट्टी आहे ते वर आली, त्याच्यामुळं अपघात होऊ शकते। आणि ज्या पद्धतीने नगरसेवकांनी इथं लोकप्रतिनिधींनी इथं लाईट लावलेला आहे, स्ट्रीट लाईट फक्त 4 दिवस चालू होते, त्याच्यानंतर बंद आहे, ह्याचं सुद्धा लोकांकडून आरोप होत आहे। आणि आपल्यासोबत ऑटो चालक आहे, त्यांना काय त्रास होते ते विचारणार। हो ना सर, धोका भी हो सकता गाड़ियों को, और गाड़ी आने लगे तकलीफ हो जा रही, परेशानी हो जा रही, खड्डे भी काफी है, बहुत खड्डे हो, रात भी रात को एक्सीडेंट भी हो सकते हो रहे, वहाँ पे भी थोड़ा आगे है, थोड़ा वहाँ पे भी ये निकलने से जरा तकलीफ, जरा लोड गाड़े जाने से जरा ये हो गया प्रॉब्लम ऐसा है। तरीके से आप पेशेंट ले जाते हैं कभी? पेशेंट डिलीवरी का या फिर कोई दवाखाने का या स्कूल के बच्चे रहते तो उनके लिए भी जान? हाँ, होती ना सर, परेशानी तो होती, थोड़ा सरकार से रिक्वेस्ट है कि भाई जरा अच्छा करके दे दे, अच्छा काम करो, क्योंकि आने जाने वाले को तकलीफ होती, एक्सीडेंट होगा तो बेचारे की जान चल जाती थोड़े के वास्ते, इसलिए हमारी रिक्वेस्ट है कि भाई थोड़ा काम जरा अच्छा काम करके दिए तो बहुत अच्छी बात रहेंगी। 3 वर्षात जे आहेत ह्याची अवस्था अशी झालेली आहे पुलाची। हा मालटेकडीचा पूल आहे, या ठिकाणी मालटेकडीचा पूल आहे आणि आपल्यासोबत ऑटो चालक आहे, त्यांच्याशी विचारणार आहे। भैया, क्या लगता है जिस तरीके से खड्डे हुए नांदेड में और ब्रिज के पट्टी निकल गई तो अभी अभी फिलहाल तो ये मार्केट का ये ब्रिज है, ये मालटेकड़ी का ब्रिज है, ये यहाँ पर दुनिया के खड्डे है और ये खड्डे के तरफ से कि नहीं कई मोटरसाइकिलें गिर गए यहाँ पर, और ये जो निकली वाली पट्टी है ये पट्टी तो बहुत हो रहा रात में धोखा। ये यहाँ पर लाइट की व्यवस्था रहती है? यहाँ लाइट का नहीं है उतना, यहाँ पर ये लाइट कभी आती कभी जाती, और लाइट के तरफ से अंधेरे में कुछ नहीं दिखता यहाँ पर। ये जो खड्डे है यहाँ पर, इससे पहले भी मेरा ऑटो है कि नहीं इधर से उधर गिर गया था ऑटो, 10-12 जनों लोग ने मेरे को उठाया ऑटो मेरा, फिर लेके गए मेरे को। हाँ, पूरे नांदेड़ शहर की हालत है, ब्रिज की भी है साथ साथ। नहीं, इसके अलावा हर कुछ है, देख लो नाके के तरफ पे जो गलिया में के है, रोड पे के हावे रोड पे के है ये, और बोले तो ये कैसा है, ये पूरे खड्डे हो गया ले, ये इसको कोई भी नहीं देख रहे, इसको देखना चाहिए, इसको पब्लिक की सेवा करना चाहिए। और वो बोले तो वो पेशेंट भी रहते सब रहते, और हमारा कहना ये है प्रशासन से कहना ये है कि सबसे पहले ये खड्डे दुरुस्त करे और इसको अच्छा बनाने की कोशिश करे इसको। कैसा जिस तरीके से आप आए? पूरे रास्ते के खड्डे हो गए, काम चालू है चारों तरफ, ये सड़क बनने के बाद ऐसी खराब हो गई है जिस तरीके से। अब ये इसके पहले एक एक्सीडेंट हो गया, कोई देखने वाला नहीं है, कोई बोलने वाला नहीं है, लाइट बंद है ऊपर के, लाइट भी रात 8 बजे चालू हो रही है, खंभे खाली बिठाए वाले है, वो लाइट बंद है अभी फिलहाल, और रोड का काम जल्दी जल्दी करो बोल के खड्डे हुए, पट्टी निकल गई, नवा ब्रिज बन के 2 साल नहीं हुआ तो ये हालत है, कोई मर सकता है इससे? हाँ ना, वो तो एक्सीडेंट तो हो रही ना, किरकोल घटना यहाँ पे हो रहे, नीचे हो रहे, तो ऐसी जो गया आला है वो। नऊ युवक आहेत, त्यांच्याशी आपण विचारणार, इथे रात्री बेरात्री लोक राहतात आणि हे विद्यार्थी सुद्धा या रस्त्यावर जातात, परंतु अशी अवस्था झालेली आहे। कैसा दिख रहा है जिस तरीके से पट्टी निकल गए, नवा ब्रिज है, कुछ 2 साल कुछ हो गए इसको बन के, ऐसा
बोलने जा रहा हूँ, ये यहाँ से जो गाड़ियाँ जाते हैं ये ओवरलोड गाड़ियाँ हैं, इसकी वजह से ये रोड फूट रहा है। अगर ये रास्ते का काम यहाँ से नीचे से डायरेक्ट हो जाए तो ये रास्ते की तकलीफ़ नहीं रहेगी, ये बार बार ब्रिज नहीं फूटेगा। इसकी तकलीफ़ दूर करने के लिए ये रास्ते का काम जल्द से जल्द हो, ये हमारी गवर्नमेंट से विनती है। ये जो आप बता रही है रास्ता तो डिक्लेयर हुआ है और ये रास्ता 60 फीट की रोड बनी हुई है, पर कुछ लोगों ने रोका है ऐसा लगता है। जिन लोगों ने भी रोका है उनसे मेरी गुजारिश है कि जल्द से जल्द इस रोड का काम किया जाए ताकि इस रास्ते में कोई अपघात ना हो, कोई एक्सीडेंट ना हो, ना हाँ किसी की जान ना जाए। हेवी गाड़ियाँ इस रोड पे से, इस ब्रिज पे से बंद हो जाए और डायरेक्टली नीचे से जो रास्ता दिया हुआ है उनसे मेरी गुजारिश है कि जल्द से जल्द उसको काम चालू करें और लोगों को तकलीफ ना हो इसलिए जल्द से जल्द काम चालू किया जाए। या ठिकाणी धान्याचे जे गाड़े येतात मालटेकडीचे ते त्या गाडींना एक मार्ग दिलेला आहे, 60 फुटाचा पांदान रोड आहे, हा पांदान रोड आहे। मालटेकडीचे जे गाडे असतात धान्याचे ते हे रस्ता आहेत, हे लोकांना सुद्धा मागणी केलेली आहे की हे रस्ता जर चालू झाला आणि अपघात होत नाही की आहेत आणि हे रस्ता जे आहेत हे 60 फुटाचा रस्ता करून इथून जे आहे तर गाड्या जड वाहनेला परवानगी द्यावी अशी लोकांकडून मागणी होत आहे। मर सकते इसमें रात को, आधी रात को अगर कोई गाड़ी निकलती है या बाइक निकलती है तो उसमें ये पट्टी अगर समझो नहीं दिखी तो एक्सीडेंट हो सकता है, अभी भी एक्सीडेंट हो सकता है। कोई स्पीड में अगर जा रहा, खड्डे भी बहुत है और स्पीड में कोई अगर जा रहा समझो तो भी एक्सीडेंट हो सकता है, गिर सकता है, कोई जान हानि हो सकती है और कभी कभी लाइटा भी चालू नहीं रहती है। लहान लहान मुलांचे जे आहेत इथं वाहने जातात आणि हे शाळेचे वाहने जाणारा हा रस्ता आहे, आपण पाहू शकता अपघात होण्याची शक्यता आहे। या ठिकाणी पाहू शकता आपण एक लोखंडीची पट्टी आहे ते वर आलेली आहे आणि जाते येताना लोकांना कसं त्रास होत आहे आपण पाहू। MIM पक्षाचे नांदेड शहर सचिव शेख बशीर लाला आहे, त्यांच्याशी आपण विचारणार आहे की नांदेड शहरामध्ये हा अपघात होत आहे आणि बोगस कामेबद्दल त्यांचं काय मत आहे। जी भाई, जिस तरीके से आज ये खड्डे दिख रहे ब्रिज पे, 2018 के अगस्त महीने में जो है तो ये ओपनिंग हुई, ये तुम्ही जी बोलो 2018 में, 2 साल के अंदर 3 साल में ये हाल होगा। ये तो ब्रिज है, 10 साल 20 साल का अग्रीमेंट रहता है इस पर ब्रिज का, कोई भी रोड का, तो ये हाल होगा, ये गुना दाखिल होना चाहिए। और ये 2018 के 15 अगस्त के दिन पानी आ रहा था, बारिश, मुझे छुट्टी उठा के ले गए थे, ये रखो बोलो, उस दिन जो है तो ये ब्रिज की ओपनिंग हुई थी रामदास कदम पालक मंत्री के हाथ से, वो गए घर का नहीं करा था उसके, तो मैं न्यूज़ लगा रहा हूँ रामदास, ये 2018 के अगस्त में बोलने का, 15 अगस्त के। लाला, जिस तरीके से यहाँ खड्डे हुए हैं और वो लोहे की जो पट्टी दिख रही है ये इंगल है और वो लग के किसी को भी अपघात हो सकती है, जान जा सकती है और ये नाके पे दुर्लक्ष क्यों, इसके बारे में आपका क्या कहना है? ये ब्रिज का उद्घाटन 2018 में हुआ अगस्त में, 15 अगस्त को, और उसके अलावा ये टोटल बोगस काम हुआ ला ये फ्लाईओवर का, मालटेकड़ी फ्लाईओवर का, और उसके अलावा अभी जो ये इंगल टूट गया है यहाँ पे, ये इंगल के वजह से अभी क्या होता मालूम कि नहीं, अभी तक तो यहाँ फतरे वतरे लोगों ने रखे, अभी तक तो कोई एक्सीडेंट नहीं हुआ, मगर रात में 101% यहाँ पे एक्सीडेंट होना ही होना है। क्यों? तो ये स्ट्रीट लाइट जो लगाए वाले महानगर पालिका ने, ये शो के लिए लगाए वाले और कोई मतलब का नहीं। स्ट्रीट लाइट लगाने का मतलब ये था, ये फ्लाईओवर ब्रिज पे, कि रात में यहाँ पे क्या कर रहे कुछ पॉकेट पिलर, कुछ चोरा क्या कर रहे, मोटरसाइकिल वाले को ऐसे हाथ बता ऐसा कर रहे, मार के मोबाइल छीन ले रहे, पैसे छीन ले रहे, ऐसे वारदात अनगिनत हुए यहाँ के सभी लोगों को मालूम है कि मालटेकड़ी ब्रिज पे शाम में ऐसे हादसे कितने होते, पीने खाने वाले लोग रात में बैठते, ये लाइट स्ट्रीट लाइट यहाँ लगाने का मकसद ये था कि लोगों को आने जाने वाले लोगों को, प्रवास करने वालों को तकलीफ नहीं होना, परेशानी नहीं होना, उनकी चोरी नहीं होना, उनकी हिफाजत होना, बोल के लाइट लगाए थे, हमारा लाइट बने अभी तक लगाए, जब से अभी तक बने। और उसके अलावा ये ब्रिज को अभी तक 2-2.5 साल होने को आ गए, पूरा ब्रिज की इतना बोकस काम हुआ है, ऐसे काम करने वालों पर गुनाह दाखिल होना, कार्रवाई होना ऐसे गुत्तेदारों पे जो करप्टेड गुत्तेदार है और ऐसा बोकस काम करते हैं। अभी 2 साल के अंदर ही ये चैनल टूट गया है, अब ये चैनल देखो बाजू में पूरा खड्डा बन गया, इसमें कभी भी कोई नीचे गिर सकता है, एक्सीडेंट हो सकता है, किसी की जान जा सकती। जिस तरीके से काम होते शान से धूमधाम से जो है इसके उद्घाटन होते, स्थानीय लोक प्रतिनिधि भी, नगर सेवक भी आते इसमें और सब तारीफों के फूल बरसाते कि साहब ने हमारे काम किया, अशोक चौहान का ये जिला है पालक मंत्री का, और कामों की तारीफ होती तो ये बाद में उसको फॉलोअप क्यों नहीं लेते, खाली ओपनिंग के टाइम में सब आते।
ओपनिंग के टाइम पे आते हैं और जिसके उसके अपने अपने लोगों की जो टक्केवारी रहती है, और टक्केवारी के वास्ते इन्हों लड़ते झगड़ते, मगर पब्लिक के लिए मजबूत का काम, अच्छा काम कराने की इनकी सोच ही नहीं ना। इनकी काम ये है कि कौन से फ्लाईओवर में हमारे को कितने टक्के मिलना, कौन सी रोड में कितने टक्के मिलना। अभी मेरी पालक मंत्री अशोक राव चौहान साहब से गुजारिश है और कि ये माल टेकड़ी के पास से जो 60 फीट का पानदान रोड जा रहा, ये रोड आप नांदेड़ में विकास का काम कर रहे, बहुत अच्छी बात है। हर चौरस्ते पे फ्लाईओवर ब्रिज बना रहे, बहुत अच्छी बात है। और हमारे तरफ से, नांदेड़ वासियों के तरफ से, जो देगलू नाके पे हेवी ट्रैक माल टेकड़ी के जो हेवी ट्रैक जा रहे हैं, उसके लिए सभी देगलू नाके के रहवासियों को त्रास हो रहा। अगर वो रहवासियों को त्रास उनका दूर करना है तो ये पर्याय मार्ग ये है कि माल टेकड़ी से जो 60 फीट का रोड जा रहा बाईपास को, ये रोड चालू करना चाहिए। ये रोड अगर चालू होगा तो सभी 70 से 80 हज़ार की आबादी वालों को इसका फायदा पहुँचेगा। नहीं तो क्या, जरा हर दिन ये रेलवे रैक के गाड़ियाँ जा रहे, एक्सीडेंट हो रहे। परसों एक बरकत कॉम्प्लेक्स एक्सीडेंट हुआ, एक आदमी के दोनों टांग टूट गए। या ठिकाणी आपण पाहू शकतात की हा रोडचे खड्डे पडलेले आहे, खड्ड्यावर लोक आहेत, आपल्या सोबत वाहन चालक आहे। कशा पद्धतीने इथं खड्डे पडलेले आहे आणि ते लोखंडाचे जे पट्टी एंगल आहे ते वर आलेले आहेत। या ठिकाणी लोकांचे जीव धोक्यात आहे आणि अनेक चालकांना सुद्धा याची त्रास होत आहे। अशोक चव्हाण साहेबने पिछले टाइम जो 47 किलोमीटर के मार्ग थे पूरे अपने शहर में के पूरे 47 किलोमीटर महापालिका की तरफ गए थे, वापस महापालिका ने बीएनसी को हस्तांतरित किया है। उसके लिए 550 करोड़ रुपये अलग से साहब ने दिए वाले, तो जिनको भोगना है भोगने दो। आने वाले 6 महीने के अंदर अगले अक्टूबर नवंबर तक नांदेड़ शहर के पूरे रस्ते पूरे काम हुए वाले आपको दिखेंगे जब उनसे बात करेंगे। या ठिकाणी आपण ऐकलेले आहे लोकांची तक्रारी कशा पद्धतीने आहेत, पालकमंत्रींना याच्याकडे लक्ष द्यायला असं लोकांकडून मागणी होत आहे। स्थानिक लोकप्रतिनिधी आपल्या टक्केवारीमध्ये मगन राहतात, हे लोकांकडून आरोप लावले जात आहे। नांदेडवरून मी शेख याया, माझा महाराष्ट्र। आता आपल्या दुचाकीला सजवा फॅन्सी स्पेअर पार्ट, नवनवीन डिझाईनचे फॅन्सी LED, फॅन्सी मीटर, हँडल वेट लाईट, इंडिकेटर, फुटरेस्ट, हँडल वेट मीटर, फॅन्सी लिव्हर, LED पट्टी, टू व्हीलर रिमोट किट उपलब्ध। नवनवीन आकर्षक डिझाईनचे फॅन्सी पार्ट मिळण्याचे एकमेव ठिकाण, एक वेळ अवश्य भेट द्या। टॉप ऑटोमोबाईल, हिंगोली गेट, नांदेड।